जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार, तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। भारत बंद को मिल रहे समर्थन को देखते हुए पुलिस अलर्ट है। खुफिया विभाग की सूचना पर पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों में पुलिस गश्त तेज कर दिया है। बंद के दौरान किसी तरह की हिंसा ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। एसपी को अपने सभी बल को सतर्क रखने और हर विषम परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। वहीं बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य क्षेत्रीय दल इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। इन दलों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आरक्षण के लिए तय किए गए मूल सिद्धांतों को कमजोर करता है, जिससे समाज के पिछड़े और वंचित वर्गों को नुकसान हो सकता है। ये आज जो भारत बंद है उसका समर्थन कर रही है, सैद्धांतिक रूप से भी समर्थन है और समाजवादी पार्टी इस बंद में शामिल भी होगी। समाजवादी पार्टी समझती कि इस फैसले को वापस लेना चाहिए। जिस तरीके का वो फैसला आया, सरकार को उसके लिए कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कदम नहीं उठाया। सरकार ने कोर्ट में क्या शपथ पत्र दाखिल किया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, भारत बंद स्पष्ट रूप से संविधान बचाने के लिए, आरक्षण विरोधी ताकतों को करारा जवाब देने के लिए, जिस तरीके से देश में आरक्षण को खत्म करने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है सरकार के द्वारा, और संविधान को कहीं ना कहीं छेड़छाड़ करने की तैयारी कर रही चल रही है सरकार के द्वारा। लेटरल एंट्री के जरिए ये लोग जो हैं आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, सरकारी पदों को खत्म कर रहे हैं, रेल को, तेल को, सेवा को, सेना को, सबको ठेके पे देने की बात कर रहे हैं। उसके विरोध में भारत बंद अगर होता है, निश्चित तौर पर ये अवेयरनेस का है और हम आरक्षण को खत्म नहीं होने देंगे, संविधान को नहीं बदलने देंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी बंद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, लोकतंत्र है, हर आदमी को अपना प्रोटेस्ट करने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया है और मुझे लगता है कि प्रोटेस्ट के साथ साथ अगर किसी को लगता है कि गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, कोर्ट को चैलेंज करना चाहिए, कोर्ट ने किस कारण से लिया उनको बताना चाहिए। लेकिन ये सच्चाई है कि सभी वर्ग के, सभी जातियों, सभी धर्म को हर चीज का लाभ मिलना चाहिए, उसके लिए समाज हमेशा संघर्ष रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में राज्य सरकारों को ये अधिकार दिया है कि वो SC/ST समूहों के अंदर उपश्रेणियां बना सकती है ताकि सबसे जरूरतमंद को आरक्षण में प्राथमिकता मिल सके। हालांकि इस फैसले के बाद कई संगठनों ने इसे आरक्षण नीति के खिलाफ बताते हुए विरोध जताया। उनका कहना है कि इस फैसले से आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और सामाजिक न्याय की धारणा कमजोर हो जाएगी।